विकासगंज शहर की सोरों तीर्थ नगरी में चल रही मार्गशीर्ष मेले में लगी दुकानों से अवैध उगाही किए जाने का मामला सामने आया है। इस मामले में पीड़ित दुकानदारों ने बीजेपी युवा मोर्चा के नेताओं के साथ पहुँच कर एडीएम योगेंद्र कुमार से शिकायत की है। उन्होंने मामले को संज्ञान लेते हुए राजस्व विभाग की टीम को गठित कर जांच पड़ताल के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि इन दिनों भगवान वारह की मोच स्थली सोरों शुकर क्षेत्र में लगने वाला मार्गशीर्ष मेला पूरे सभा पर है। इस मेले में दुकानें, डांस पार्टी, झूले, सर्कस लगाने वाले दुकानदार उत्तर प्रदेश के विभिन्न कोने कोने से आते हैं। यह मार्गशीर्ष माह में यह मेला 15 दिनों तक चलता है। आज बुधवार को बीजेपी नेताओं के साथ कलेक्ट्रेट कार्यालय पर पहुंचे दुकानदारों ने एडीएम योगेंद्र कुमार को एक शिकायती पत्र देकर अपनी पीड़ा को बयां करते हुए डांस पार्टी लगाने वाली महिला राधा ने बताया कि मेले में इस वर्ष पिछली वर्ष से 4 गुना महंगी जगह मिली है। इसके बावजूद भी सोरों नगर पालिका के लोगों द्वारा अवैध उगाही कर रहे हैं, न देने पर उन्हें परेशान किया जा रहा है। वाइट राधा रानी डांस पार्टी की मालिक इस अवैध उगाही को लेकर बीजेपी उपजन सभा के जिलाध्यक्ष ब्रजेश उपाध्याय ने भी मेले में दुकान लगाने वाले लोगों से अवैध उगाही का आरोप लगाते हुए बताया। उधर इस मामले को गंभीरता से संज्ञान लेते हुए एडीएम योगेंद्र कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि मेले में नगर पालिका द्वारा अवैध उगाही करने की शिकायत आई है। राजस्व विभाग की टीम को गठित कर जाँच पड़ताल की जाएगी। किसी भी कीमत पर गरीब दुकानदारों के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। जो मेला मार्गशीर्ष लगा हुआ है हमारे नगर सोरों में, उसमें अवैध उगाही हो रही है, और लेकिन ये नहीं पता लग रहा कि अवैध उगाही कर कौन रहा है। न तो कोई जितने मालूम पड़ रहा है उसका ठेका उठा है या नगर पालिका उठा रही है, पता ही नहीं लग पा रहा है कौन उठाने आ रहा है। कोई ये लोग बता रहे हैं कि हमारे पास अलग लोग आ रहे हैं कहीं से, कोई इस्लाम नेता बता रहे, मतलब मेरे समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ हो क्या रहा है। इसलिए ये कुछ लोग हमारे पास आए कि हमारे लिए प्रोटेक्शन दो, कभी इनकी लाइट काट दी जाती है, कभी इनसे जो 40,000 रुपये या किसी 40,000 रुपये का काम है तो उससे 1.5 लाख रुपये ले जा रहे हैं, कोई 10,000 का है तो उससे 40,000-50,000 रुपये ले जा रहे हैं। आप बीजेपी नेता हैं और सरकार कह रही है, सरकार भ्रष्टाचार पर रोक लगा रही है और आपके सामने चौथ वसूली हो रही है, आप एक प्रदर्शन करना आपको पड़ रहा है, तो क्या कहेंगे सर? कहीं ना कहीं जिला प्रशासन आपकी सुन नहीं रहा है। तो इसलिए नहीं, हम इसलिए नहीं, हम तो जिला प्रशासन को संज्ञान में दे रहे, इसलिए संज्ञान में ज्यादा क्योंकि सरकार हमारी है। अगर हम ही नहीं आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? इसलिए तो जिला प्रशासन आए थे। तो क्यों नहीं जिला प्रशासन संज्ञान ले रहा सरकार? अभी तो उनको अभी दिन को एक ज्ञापन दे कितने आगे आए, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि ऐसा नहीं होगा। मराठी शो लगा है मेरा। अब कब से आ रही है मेले में लगा? मुझे आते हुए कई साले हो गई हैं। अगर बात करें तो इस बार के कितने गुना महंगा उठाया था? इतना इस बार बहुत गुना महंगा है, मुझसे 1,55,000 मांगा जा रहा है। मैं लाट के 1,55,000। अब तक कितने रुपए दे चुकी? अब तक मैं 35,000 दे चुकी हूँ, उसकी कोई मुझे रसीद नहीं दी है। जब दुकान लगाने की अनुमति दी थी, वो लगाने की अनुमति दी डांस पार्टी, तब आपसे कितने रुपए बताए थे इन लोगों ने? 1,25,000 बताए थे, और बाद में मुझे लेट के बताया कि 30,000 तुम्हें लेट के देना पड़ेंगे बाद में जब काम चालू हो गया, तब पहले नहीं बताए। क्या आपको उसकी रसीद उपलब्ध कराई लोगों ने? नहीं, कुछ नहीं, कोई रसीद नहीं दी। और मुझे धमकी देते हैं कि पैसा ला के दो, कहीं से दो, चाहे घर से ला के दो, घर बेचो या कुछ करो। क्या असला लेके भी आते हैं ये लोग? नहीं, हम सामान नहीं देने देंगे। नहीं, कुछ मेला से दुकानदार यहाँ आए थे, उनका ये कहना था कि उनसे पैसा तो लिया गया है लेकिन उसकी रसीदें उनको नहीं दी गई हैं और उनसे निर्धारित धनराशि से अधिक की धनराशि मांग की जा रही है। उसमें अभी नगर पालिका के कर्मचारियों को बुलाया था, उनकी पत्रावली भी यहां मांगी गई है और इसकी भी हम जांच करेंगे, सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी प्रकार की उगाही न हो, और यदि किसी के द्वारा उगाही की गई है तो उसके विरुद्ध हम लोग कठोर कार्रवाई करेंगे।